गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? सुबह सुबह तैयार हो चुकी हूँ मैं, समय हुआ है 8:30। एक्चुअली आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, बहुत एक्साइटेड थी मैं, बट डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है फॉर सम रीज़न। डॉक्टर को कोई एमरजेंसी आ गई, डॉक्टर आ नहीं सकता है, तो प्लान हो गया है चौपट। एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कल मैंने डिनर में कुछ नहीं खाया था, लंच में कुछ खाया था, एंड अब बहुत बुरी तरह भूख लग रही है। सो जल्दी से मैंने ग्रीन रोटी के लिए आटा गूंथ लिया है, परौंठियाँ खाने हैं, और आज मैं बहुत ही प्यारी सी वीडियो शूट करने वाली हूँ, एंड ऑल्सो आज का व्लॉग एडिट करना शुरू करूँगी। एंड एक्चुअली आज मुझे ग्रॉसरी करने के लिए भी जाना है। सो परांठा बनाते हैं एंड खूबसूरत पति को बुला लेते हैं खाने के लिए। पति को किस नाम से बुलाऊँ? पति को किस नाम से बुलाऊँ समझ में नहीं आता, पति ही कह लेते हैं क्योंकि हिम्मत तो घर पर नहीं है, डैडी कैसे रहेंगे? पति, हस्बैंड, परांठी खा लो। यार तो डरना, ओ एक्चुअली बहुत तो ही थे परांठी खानी नहीं, तो ही त्याग खाना की या सब त्याग ऐसा कौन रोटी रख दो? हाँ मैं सुनने लगी मैं कैसे कुछ ना कहे, हस्बैंड ने ना रात एक एक्स्ट्रा रोटी बना लिया है ना, देखो कैसे पैक की टोटीला टमाटर की चोरी किता बहुआ, टमाटर मुझे पूरी तरह लाल नहीं है, हरे हर आया थोड़ी देर अंदर। मैं वीडियो बनानी है कि अपने हस्बैंड वास्ते किता किता जाए, हाँ वशीकरण नहीं कर दे, मैंने टोटका आंदा है बस मेरा मुंह की लोरा वशीकरण कर दी, वो क्या रह गए बच्चे बड़े पे हो गए तो वशीकरण करना ही हूं बच्चे बड़े पे क्या, ये तेनो तो उदो पता चला जो तेरा वशीकरण हो जाना है, ये तो प्यारी है भोला पंछियां तेनो पता नहीं है। परौंठी च अनियन पाने का चेता भुल गया मैंने, ग्रॉसरी करने के लिए आ गई हूँ मैं। जो पिछली बार हस्बैंड ने गंदी सी मट्ठी ली थी उसको रिटर्न किया है, रिटर्न करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि पैसे वापस चाहिए, पर उनको पता चलना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है एंड उन्हें अपनी दुकान में इसे नहीं रखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा कंज्यूमर हूँ मैं अगर सर। सो ये समय मुझे ग्रॉसरी करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि स्कूल ऑन है एंड स्टोर में ज़्यादा क्राउड नहीं होती है, पर फॉर सम रीजन आज बहुत ज़्यादा क्राउड है। हॉलीडे सीजन है, सारे लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं राइट। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए, पर मैंने अच्छी सी लिस्ट बनाई है कि मुझे काफ़ी लंबे समय तक नहीं आना पड़े, क्योंकि अगर अगली बार आना पड़ेगा तो हम कॉस्को जाएंगे। दैट्स इट। सो ग्रॉसरी की शॉपिंग मैंने कर ली है, जो भी चीज़ों की लिस्ट बना के आई थी मैंने सब कुछ ले लिया है, लकीली मुझे सब कुछ मिल गया है एंड बेल्ट पा के बैठ गई हूँ एंड अब सोच रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। एक स्टोर पे मैं जाना चाहती हूँ एंड ऑल्सो मैं नहीं जाना चाहती, नहीं इसलिए क्योंकि मैं थक गई हूँ और मैं चाहती हूँ घर जाके रिलैक्स करूँ। एंड मेरे पास तो दो वीडियोस हैं एडिट करने के लिए, एक तो मैं जो कल व्लॉग अपलोड करूँगी उसको एडिट करना शुरू करूँगी एंड एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो मैंने बनाई है स्वीट गिव अवे, ऑलरेडी मेरे चैनल पर होगा जब ये व्लॉग देखेंगे आप। ज्वेलरी का गिव अवे करने वाले हैं हम, सो जरूर से देखें। पाला च इदा शाइन पैन दी जिवें मैं रब का बंदा होवां, मैं रब का बंदा ही हाँ मैं, होर की मैं बस चलना बजाली डाते गुच्ची दानी तोलिया ना गाइस। मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा एंड लविंग बंदा हूँ, क्या मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे एंड लविंग है? नो, वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार शातिर एंड मीन हस्बैंड है। नहीं एक्चुअली ही इज़ क्वाइट नाइस। ओके आई एम डन, लेट्स गो होम। you
मैंने मेरी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए टमाटर की प्यूरी बना के रखी है। इसको टमाटरों को बॉईल करके छिल के उतार के ब्लेंड करके सो मैं जल्दी जल्दी तड़के लगा सकूँ। सो बैंगन का भरता तैयार हो चुका है एंड अब मैं क्या करूँगी कि जल्दी से आलू का थोड़ा सा मसाला बना लेती हूँ। ज़्यादा मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेथी के आटे में बनाने वाली हूँ ना तो फ्लेवर चल जाएगा। सो डिशेस को साफ करना अभी बाकी है, बाद में करेंगे। सो ये है आलू, इसमें डालते हैं अजवाइन, सॉल्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लेवन मोर सॉल्ट। इसको ज़्यादा फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा कुछ मेथी के आटे में ऑलरेडी है। रोटी का प्यारा सा स्टेशन बनाएंगे। सो इस पेड़े में ऐड करेंगे एक्स्ट्रा अनियन एंड हरी मिर्च। इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ तो फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। पत्ती को बना के देंगे पर के। इस आटे में दाल बहुत ज़्यादा है एंड आटा कम, सो आटा बहुत सॉफ्ट है एंड रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऊपर से मैंने इसको अनियन एंड आलू के साथ भर लिया है। सो ऐसी खतरनाक सिचुएशन में मैं ग्लैड रैप रख लेती हूँ रोटी के नीचे ताकि अगर कुछ खतरनाक हो तो रोटी बच जाए। रोटी वाली परांठी बनाई आलू पाके। कोई चीटर मेरे तेले में पट्ठा बनाता है ढाबे साहिब। चल नहीं तू ही बना कह रही है। तू मिस करूंगा जे कल नु मैं तुर गया कि सोरदा च जा के। हां पहुंचे ही मैं सुनो तेरे पनिया होई है नरका च जा के तन्नू मिस कर। क्या ये जिदन मैं तोली उदन मेनू मिस करेगी। नरका च जा के ना मेनू आवाज मारी ओथे अपना अपना। दैया हां हो चबर चबर ना तू ही मैं क्या कि मैं नरक च जाके तेन मिस करूंगा। गाइस हस्बैंड ने अपने लिए रायता बनाया सिर्फ अपने लिए। इन्ना इसमें खीरा डाल लिया, अनियन, टमाटर, पता नहीं केड़े केड़े चाट मसाले, बूंदियां, और मेरे लिए नहीं बनाया। ओके पत्ती दी परांठी परठा एंड मीन पत्ती दा कल्ला अपने लिए रायता। मैं तो नु इदा लगदा नहीं आ कि लोकी दे इन्ना लव करदे अपने मुंह चो कड के कहंदे कि तुसी खाओ जी असी रहन दने आ तू ही अपना ढिड भरदे आ। बस मुंह चो कड नहीं पहला मुंह चो ते पाना पैना ना मुंह चो पा लेना मुंह चो कड के मेनू दई ना दियो प्लीज। सो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के परांठे पर मिस्सी रोटी में, क्योंकि काफ़ी समय से मिस्सी रोटी बना रही हूँ। मैंने सोचा कि आज थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। आई होप हस्बैंड को अच्छी लगेगी एंड आपके साथ मैं थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर करूँगी।
तो ये मेरा पहली बार टाइम है कि मैं मिस्सी रोटी में आलू का परांठा खा रही हूँ। हस्बैंड को तो बहुत अच्छा लगा। गाइस जरूर से ट्राई करना। एक ही परांठा खाऊंगी सो फार, क्योंकि ऑलराइट दोस्तों शाम हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लेट है। एंड हिम्मत जब स्कूल से आया था तो उसे मैंने वही ग्रीन परांठा बना के दिया था। एंड डिनर का समय है, मुझे भूख नहीं लगी है। आई डोंट नो, जब मैं कुछ हैवी खा लेती हूँ उसके बाद मेरा मन नहीं करता है। एंड बहुत सारे आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि व्हाट आई ईट इन अ डे, मैं वीडियो बनाऊँ, बनाऊँगी मैं जल्दी ही। सो आज का डिनर हम स्किप करेंगे। हस्बैंड गए हैं उनके ऑफिस में, आज क्रिसमस पार्टी है। वो बोल रहे थे अगर मैं आना चाहूँ तो, पर मेरा मन नहीं था। एंड हिम्मत ने खा लिया है थोड़ा सा स्टफ़। एंड अब मेरे पास स्पेंड करने के लिए आधा घंटा है। सो आधा घंटा मैं रिलैक्स करने में स्पेंड कर सकती हूँ, पर मैंने सोचा है कि आधा घंटा स्पेंड कर दें थोड़ा सा क्लीन अप करने के लिए। यू नो, क्विक टाइमर ऑन करके क्लीन अप करती हूँ। ये लॉन्ड्री वाला एरिया यहाँ पे पाइल अप हो चुका है। एक्चुअली ना मैं पता क्या करती हूँ कि जब मैं कोई स्वेटर पहनती हूँ या कोई भी आउटफिट पहनती हूँ, उनको मैं ना हर टाइम वॉश करना नहीं चाहती हूँ, अनलेस उस पर कोई दाग हो या उनमें से स्मेल आ रही हो। क्योंकि जितना आप कपड़ों को वॉश करते हैं उतना ही उनके लिए अच्छा नहीं है। सो जितना कम वॉश करेंगे उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उतना अच्छा है। सो यहाँ पे मैं कलेक्ट कर रही हूँ पिछले मैंने लगा 5-6 दिन से। एंड अब यहाँ पे पाइल अप है, इसको ऑर्गेनाइज करना चाहती थी मैं, पर हम मेरा विचार चेंज हो गया। मैं सोच रही हूँ कि फ्लोर को क्लीन कर लेती हूँ एंड जो भी लॉन्ड्री इधर उधर घूम रही है सारे घर में, क्योंकि हिम्मत एंड हस्बैंड को आए थे जितने कुछ उतार के छोड़ देते हैं। हिम्मत की ड्यूटी लगाई है मैंने जल्दी से, सारी लॉन्ड्री बास्केट में चीज़ें लेके आए, वो लेके आ रहा है। तब तक मैं ये फ्लोर को वैक्यूम करने वाली हूँ, क्योंकि जब फ्लोर अच्छा चमकदार हो ना तो अच्छा फील होता है। की क्लीनिंग कर ली है मैंने। पहले मेरा प्लान था कि बहुत ज़्यादा क्लीन करूँगी, पर और मेरा प्लान बन गया कि इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिलैक्स करने की ज़रूरत है। हड्डी में पेन हो रहा है, कॉलर बोन में, एक को पास से। सो यस दोस्तों, आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें एंड ऑल्सो अपने प्यारे मित्रों के साथ मेरी वीडियो भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत प्यारी वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो किसी के साथ शेयर करेंगे आप उनकी ज़िंदगी में एक पुण्य कर देंगे एंड मेरी में भी। गाइज लुक एट दीज ब्यूटिफुल जोई हुप्स, ये आपको सिमोर शॉप से मिलेंगे। ये 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड टार्निश प्रूफ एंड वाटर प्रूफ ज्वेलरी है। एंड क्रिसमस के सीज़न में हमारी वेबसाइट पे चल रहा है ऑफ, सिमोर 35 यूज़ करेंगे तो इंटायर कार्ट पे 35% ऑफ मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि मेरी ज्वेलरी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्काउंट होने वाला है। एंड वैसे भी मेरी जो ज्वेलरी है बहुत रीज़नेबल प्राइस पे है, ज़रूर से ख़रीद के अपनी कलेक्शन में शामिल कर लें ताकि आप के आउटफिट एकदम क्लासी बन पाए। एंड ऑल्सो अगर आप 65 से ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो आप फ्री शिप भी यूज़ कर सकते हैं फ्री शिपिंग के लिए, और क्या चाहिए। गाइज प्लीज़ मेरे प्यारे से बिजनेस को सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक यू वेरी मच, आई लव यू गाइज सो वेरी मच। कल मिलती हूँ आपको, बाय बाय।